अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डिस्कवर पाक और मैं हूं वसीम अब्बास। आज तो मैं वैसे मूड तो ये था कि व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन आज व्लॉग नहीं बन सका, तो आज करते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग ऐसे लोगों की जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, कहते हैं अगर आगे बढ़ना हो तो आप गूंगे हो जाओ, बहरे हो जाओ, यानी ना किसी की सुनो ना किसी की देखो, तभी कहीं जाकर आप किसी मुकाम पर पहुंच सकते हैं या फिर किसी अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। वरना अगर लोगों की राय पर रहेंगे तो लोग तो ये भी कहेंगे कि यार ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। तो मैं ज़रा ठंडे मिजाज का आदमी हूँ, आज मैं निकला हूँ ज़रा वर्जिश करने के लिए, जैस्मिन पार्क स्कीम 3 रावलपिंडी। बाकी तो जाता तो ज़्यादातर मैं वैसे अयूब पार्क में जाता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लॉकडाउन है, हफ्ते इतवार को वहाँ पे बंद होता है। तकरीबन पाकिस्तान के या पिंडी के इस्लामाबाद के तमाम पार्क इस वक्त बंद ही होते हैं। तो ये क्योंकि सोसाइटी के अंदर है तो शायद इस वजह से यहाँ पे इतनी सख्ती नहीं है। सोचा आपसे कुछ बातें कर लें। तो बातें इस तरह सी हैं कि पहले मेरा पिछला व्लॉग आया था, उसमें लाजमी बात है हर बंदा परफेक्ट नहीं हो सकता, तो मैं और मेरा दोस्त दोनों उस व्लॉग में शामिल थे, तो उसमें एडिटिंग की और मैंने अपलोड कर दिया, जहाँ पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, जिसमें से मेरी खुशकिस्मती है कि 2-3 लोग ऐसे हैं जो बड़े यूट्यूबर हैं लेकिन वो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं जी, जिनमें नाम मैं ज़रूर लूँगा, जैसे कि मैं पहले नाम लिया था वो तो मेरी अपनी फैमिली के लोग थे। एक हैं फातिमा कौसर जी, शी इज़ फ्रॉम लाहौर, जिन्हें लाहौर नहीं तकिया और जमिया नहीं। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि दोस्तों, अगर काम करना है ना तो आप वाकई गूंगे हो जाओ, बहरे हो जाओ, अन्य काने हो जाओ, वरना आप काम नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचेंगे कि वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, अभी इस वक्त बड़ा सख्त शदीद किस्म का क्रिटिसिज्म मुझे बर्दाश्त करना पड़ा है अपने दोस्त की जानिब से कि यार ये तूने क्या किया, ये क्या स्टार्ट कर दिया यार, ये वो इस पर तो कुछ है ही नहीं, कुछ मिलता ही नहीं है, मेहनत का सिला नहीं मिलता। तो रातों रात तो खैर नहीं हो सकता, कुछ वक्त लगाना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी बात है, अगर शौक़ अगर आपका है ना तो शौक़ आपको यकीनन कहीं ना कहीं ले जाता है। अगर आपका शौक़ किसी चीज़ में नहीं है तो आप यकीन जाने कुछ भी नहीं कर सकते, एक बस सोचते रहेंगे कि यार मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो नाज़रीन, मेरा ये शौक़ है, मेरा ये पैशन है, समझ लें आप। तो ये हिडन किस्म की मेरे अंदर ये चीज़ छुपी हुई थी, जो कि मैंने पहले भी बताया था पिछले व्लॉग में, उस वक्त हवा तेज़ थी क्योंकि मैं नया व्लॉगर हूँ, तो मेरे पास तो इतना खैर वो नहीं है कि एडिटिंग भी मुझे इतनी ख़ास नहीं आती कि मैं सही तरह बात कर सकूँ या फिर एडिटिंग करके सही उस अपनी वीडियो को बेहतरीन तरीके से बना सकूँ। लेकिन उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ, इंशाल्लाह सीखने का सिलसिला तो सारी ज़िंदगी जारी रहेगा, मरते दम तक तो बंदा सीखता ही रहता है। जो ये कहते हैं ना कि मैंने सीख लिया है, वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी है। तो अपने दोस्त की बात करूँगा जिसने सख्त किस्म के क्रिटिसाइज़ मुझे किया है, तो मैं ये वीडियो सिर्फ ख़ास कर उसके लिए है, तो ये मैं इसको डेडिकेट करूँगा यकीनन, जिसको जैसे ही वो इसको देखेगा तो इंशाल्लाह अच्छा ही उसको लगेगा, उम्मीद है। कि उसने कहा यार काम अच्छा नहीं है, अपलोड ना कर वीडियो को, ये अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं लग रही। तो मैंने कहा यार कोई नहीं, अच्छी जहाँ तक अच्छी लगने की बात है, हमें तो वो सारी ज़िंदगी अच्छी नहीं लगेगी। अपना काम ऑलमोस्ट लोगों को अच्छा नहीं लगता, लोग उसको मतलब हमेशा आपको पसंद करते हैं तो दूसरे पसंद करते हैं, अपना काम आपको शायद वैसे अच्छा नहीं लगता। तो कहने का मकसद ये है, लुबे लबाब ये है कि भाई काम करेंगे तो काम होगा, काम करेंगे तो काम बनेगा। अगर हम ये बैठ के सोचते रहे कि यार मेरा ये बात मैं पहले कर चुका हूँ, इसको मैं दोहराऊँगा नहीं। खैर, मोटिवेशन, डेडिकेशन,
आपके लिए सब कुछ है। काम वही करें जिसमें आपका शौक है, मजबूरी से कोई काम ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी किस्म की फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। रोस्टिंग आते हैं फिर रोस्टिंग पे, तो ये है कि अगर तुम्हें ये देखता हूँ ना कि यार मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, मेरी कोई शक्ल ऐसी ख़ास नहीं है, फोटोजेनिक मेरा चेहरा नहीं है, मुझे फेस आइडिया है कि मेरा फेस जो है फोटोजेनिक नहीं है शायद, लेकिन खैर है इंशाल्लाह, मेरा तो शौक है, मैंने तो ये करना है तो इंशाल्लाह मैं करूँगा। अब मैंने स्टार्ट ले लिया है तो अब मैंने इंशाल्लाह पीछे नहीं हटना, सही है, तो इंशाल्लाह अल्लाह मेरा करेगा तो इंशाल्लाह ये जारी रहेगा। वीडियो में मेरे साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब की दिली मुरादों को पूरा करे, अल्लाह पाक आप सब के इल्तिजाओं तमन्नाओं को पूरा करे, जो आपकी ख्वाहिशात आपके दिल के अंदर हैं वो अल्लाह पाक पूरी करे। मैं आपके लिए दुआ को हूँ, आप मेरे लिए दुआ को रहिएगा। फ़ी इमानिल्लाह।